हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं वेग के प्रकार। वेग कितने प्रकार के होते हैं और उसे भी हम लोग आज एकदम क्लियर समझने वाले हैं दोस्तों, अच्छा से डिफाइन भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वेग के प्रकार। क्या? वेग के प्रकार, टाइप ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी। चलिए बहुत अच्छा से समझेंगे, एकदम टेंशन फ्री रहिए। वेग जो होता है दोस्तों, वेग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है एक समान वेग। क्या होता है? एक समान वेग, और दूसरे, इसको इंग्लिश में थोड़ा लिख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी। और दूसरा जो होता है आपका असमान वेग, असमान वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी। ठीक है भाई लोग, आइए अब हम लोग सबसे पहले एक समान वेग को समझ लेते हैं। एक समान वेग हम लोग किसको कहते हैं? याद रखना दोस्तों, जब आप कोई दूरी तय कर रहे होते हैं, ठीक है, आइए पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आप यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक आप जा रहे हैं, इधर ये मेरा रास्ता है, यहां पॉइंट सी और डी ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप 5 मीटर जो है वो आप 1 सेकेंड में तय कर रहे हैं, 5 मीटर जो है वो 1 सेकेंड में यहां तय कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये 5 मीटर, फिर से आप 5 मीटर जो है 1 सेकेंड में ही तय कर रहे हैं, और फिर से आप 5 मीटर 1 सेकेंड में ही तय कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे ऐसे क्यों लिखे सर, एक एक सेकेंड में हो रहा है। यानी आप देख लीजिए, हर बिंदु तक हम एक ही वेग से हमने टोटल डिस्टेंस को कवर किया। जब समान समय में समान वेग से दोस्तों दूरियां तय होती है, तो इस प्रकार के वेग को हम लोग एक समान वेग कहते हैं। क्लियर है? एक समान वेग कहते हैं। यानी यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है। यानी 1 सेकंड में 5 मीटर हम कर रहे हैं, तो दूसरे सेकंड में भी 5 ही मीटर हम डिस्टेंस को तय करेंगे, तीसरे मिनट में भी 5 मीटर ही करेंगे। यानी हर 1 सेकेंड में मेरा जो वेग होगा समान होगा, तो इस प्रकार के वेग को हम लोग एक समान वेग कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं, इसको डिफाइन थोड़ा कर लेते हैं। लिखेंगे जब समान वेग से दूरी तय करती है, तो उसे एक समान वेग कहा जाता है। अब यहां पे बात यह है कि सर ये एक समान वेग किस प्रकार का राशि होता है? तो दोस्तों याद रखना, जब वेग यहां आ गया है,
तो वेग जो जो होता है, जैसे वेग सदिश राशि होता है, वेग का मात्रक अगर पूछे तो मीटर पर सेकेंड होता है, वेग शून्य धनात्मक ऋणात्मक ये सब होता है, तो आपका एक समान वेग भी वही चीज होगा दोस्तों, क्योंकि वेग का ये प्रकार है। ठीक है, जैसे इंसान का बच्चा तो इंसान ही ना होगा, इंसान का बच्चा थोड़े बाबू बकरा होगा, ऐसा थोड़े होता है। जो भी चीज होता है उसका बच्चा उसी के जैसा होता है, वो दूसरे जैसा नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग असमान वेग को आइए समझने कोशिश करते हैं। तो यहां फिर से एक एग्जांपल लेते हैं भाई, और ये सब जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सब हमारे डे टू डे लाइफ का कहानी है, ये हमारे रोजमर्रा की कहानी है, यानी हम लोग कहीं भी जाते हैं ये सब कहानियां हमारे साथ होती रहती है, और जिसमें गति से संबंधित, ठीक है, गति से संबंधित जिस भौतिकी में यानी फिजिक्स में अध्ययन करते हैं उस फिजिक्स को हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं दोस्तों, और इसके पितामह को हम लोग सर आइजक न्यूटन कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए यहां पे हम लोग देखते एक वस्तु, यहां से वस्तु बी तक गया, लेकिन दोस्तों यहां पे हमने देखा एक सेकेंड में ये कितना 5 मीटर फर्स्ट बार में दूरी तय किया, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से ये दूरी तय किया। दूसरे बार जब हमने देखा तो ये 4 मीटर पर सेकेंड के चाल वेग से दूरी तय करता है, यानी एक सेकेंड में ये अभी 4 मीटर की दूरी तय कर रहा है, जबकि ये एक सेकेंड में 5 मीटर पहले किया था। अब हम लोग जब देखे तीसरे बार, जब हमने देखा तो ये 7 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, यानी एक सेकेंड में ये अब 7 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो दोस्तों यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हर बार इसका वेग जो है अलग अलग प्राप्त हो रहा है। पहले 5 मीटर पर सेकेंड का वेग था, दूसरी बार 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरे बार हम जब देखे तो 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से देखे, यानी एक सेकेंड में पहले 5 मीटर तय हुआ, एक सेकेंड में अभी 4 मीटर तय हुआ, और अब एक सेकेंड में 7 मीटर तय हुआ, यानी समान समय तो समान लग रहा है, हर बार एक ही सेकेंड लग रहा है, हर बार एक ही सेकेंड हम ले रहे, पर एक सेकेंड में हर बार दूरियां यानी वेग जो है अलग अलग है और अलग अलग दूरी तय हो रही है। तो इस प्रकार के वेग को दोस्तों हम लोग बोलते हैं असमान वेग। तो आइए इसको भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी तो लिखना है ना भाई, है ना। तो लिखेंगे जब समान समय में समान वेग से समय में समान वेग से दूरी तय नहीं करती है। अब कौन वस्तु, कोई वाहन है ना, नहीं करती है, तो इस प्रकार के वेग को असमान वेग कहते हैं। उम्मीद है समझ में बहुत अच्छा से आप लोगों को आया हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग असमान वेग कहते हैं और इसको हम लोग समान वेग कहते हैं। तो चलिए भैया और दीदी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।